जट का मुकाबला दस मैनू कि अभी जो है श्रीनगर से वापस आए तो लगा मोदी जी से मिलकर हमारे को बहुत ही अच्छा लगा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और सुबह हो चुकी है और सुबह का मॉर्निंग व्यू अगर मैं आपको दिखाऊं तो इट्स अमेजिंग। ओह माय गॉड, दिस इज आवर मॉर्निंग व्यू। चारों तरफ बर्फ देख सकते हैं आप, कितनी ज़्यादा स्नोफॉल हुई है रात की। ओह माय गॉड, यस। कैसा लग रहा है? बहुत ठंडा है भाई, बहुत ज़्यादा ठंडा है, बट बहुत मज़ा है, बहुत ज़्यादा। मैं तो बहुत ठंड लग रही है तो मैं अंदर जा रही हूँ अभी। बहुत सुंदर रिजॉर्ट, मन तो नहीं कर रहा जाने का बट जाना पड़ेगा, कभी और आएंगे हम। और ये हमारा प्यारा सा रूम। ओके, बाय बाय रूम, कभी और मिलेंगे, कभी कभी और अगर हम आएंगे तो यहीं रुकेंगे। और सामने अगर आप देखेंगे पहाड़ियों पर कितनी बर्फ गिरी हुई है, धूप आ चुकी है और अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। अब हम जाएंगे सोलांग वैली और वहाँ पे देखते हैं क्या इंजॉय करते हैं। और देखिए, दिस इज़ कॉल्ड ब्यूटी, दिस इज़ हिमाचल, लवली लवली हिमाचल। यहाँ से जाने का मन किसका करेगा, इतना अच्छा मौसम, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। और अब देखिए धूप भी निकल चुकी है बहुत तेज़। हम निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ सोलांग वैली के लिए। हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब हम जा रहे हैं सोलांग वैली। अब देखते हैं कब तक हम सोलांग वैली पहुंचते हैं। प्लान्स तो हमारे बहुत थे बट ट्रैफिक बहुत लंबा है। अगर मैं आपको दिखाती हूँ ट्रैफिक, ये देखिए ट्रैफिक बहुत लंबा ट्रैफिक। और ये हमारे दो कूल बॉयज़ जो आगे बैठे हुए हैं। और अभी जो है स्टार्टिंग में ही हम ट्रैफिक में फंस गए। ये देखिए, ये रही हमारी गाड़ी। और ये देखिए दोनों लड़के हमारे हाथ हिलाते हुए नेता लोग। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए पीछे कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है ट्रैफिक की। तो यस, चलिए वेट करते हैं। और देखो यहाँ पे बर्फ गिरी हुई पहाड़ों पे। सोलांग वैली 7 किलोमीटर और अटल टनल और रोहतांग के इसी साइड जाता है आपका 19 किलोमीटर। पर अभी अटल टनल जो है बंद है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होने के कारण वो बंद हो गया है। हम अटल टनल अभी नहीं जा पाएंगे। न्यू ईयर आने वाला है, इस कारण जो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा रश है और जो है स्नोफॉल भी हो गई है। तो अगर आप देखेंगे कितना ट्रैफिक है, कितना टूरिस्ट हमारा जा रहा है सोलांग वैली। ट्रैफिक बहुत लंबा ट्रैफिक है। देखिए ट्रैफिक में फंस चुके हैं हम और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, इसलिए मैं सोचूं क्यों ना मैं वॉक करके जाऊं, क्योंकि बहुत लंबा ट्रैफिक है। अगर आप देखोगे तो मैं आपको दिखाती हूँ ट्रैफिक। और हमारी गाड़ी फंसी हुई है, बाप रे, हाँ पागल कर दिया भाई। और ये मैं हूँ और हमारी गाड़ी आएगी, अभी आएगी 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 आएगी, आएगी। ये देखिए आ रही है, आ गई। रात
रास्ते में हमें एक जिप लाइन का काउंटर मिला, तो हमने सोचा क्यों ना जब तक ट्रैफिक है हम कुछ एडवेंचरस कर लें, मतलब हम तो नहीं अमन और बुक्का। तो अब ये जो है जिप लाइन करने की तैयारी कर रहे हैं, रेडी हुए हैं जिप लाइनिंग के लिए। और यहाँ पे अमन जो है थोड़ा डर चुका है, डर रहा है अभी करने में, फिलहाल पहली बार कर रहा है ये जिप लाइन। और बुक्का भी रेडी हो रहे हैं। ओह माय गॉड, इट्स सो अमेजिंग, बट बहुत डरावना भी है। वन टू थ्री गो। और ये बुक्का भी गए हवा में। वाओ, हाय, मैं इतनी डर गई हूँ। हमारे बॉयज दोनों वापस आते हुए, वाओ, यस, ओह शिट, ओह शिट, बुक्का आप बताओ हाउ द जोश। ओके, हाउ द जोश मोटू। चलो, इनका बहुत अच्छा रहा ये, अब इनको अनपैक किया जाए। ये देखिए फुल मज़ा लेते हुए हमारे प्रिय विशाल ठाकुर जी। पहला ट्राई, सेकंड ट्राई, फाइनली लग गया। दोनों लड़कों को भूख लग चुकी है, तो अभी हमें यहाँ कुलचे वाले दिखे, तो उन्होंने कहा कि कुलचा खाना है, तो चलिए भाई गरम गरम कुलचा खा लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। वैसे भी ट्रैफिक बहुत लंबी है, देख सकते हो पीछे तक धीरे धीरे चल रही हैं गाड़ियाँ। ट्रैफिक में खड़े खड़े थक चुके लोग। पुल के क्रॉस करते ही ना गाड़ी लगा देंगे। कुलचे खाने में व्यस्त दोनों भूखे लोग। ठीक है, फाइनली इतने घंटे वेट करने के बाद अब जाके थोड़ा ट्रैफिक खुल गया और अब हम निकल रहे हैं सोलांग की तरफ। हमें लगता है 3-4 घंटों से हम ट्रैफिक में फंसे हैं, बट अब फाइनली इतनी ट्रैफिक के बाद अब हम फाइनली सोलांग वैली पहुंच गए। गाड़ी हमारी पार्क हो चुकी है पीछे, अब हम वाई वॉक जा रहे हैं क्योंकि आगे बहुत ट्रैफिक है, तो हम पैदल पैदल जाएंगे। पीछे आप देखिए बर्फ ही बर्फ है। बड़ों के साथ साथ यहाँ पे देखो बच्चों के लिए भी कितनी एडवेंचरस चीज़ें। आप रहे पैदल पैदल चलते हुए हम और बुग्गा हमारी वीडियो शूट कर रहे हैं। वीडियो भी शूट होनी चाहिए ना चलते चलते। ये देखिए हाथों में हाथ हो तेरा मेरा साथ हो, और सोलांग की वैलियों में हम ऐसे ही घूमते फिरते रहे। ये देखिए चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, बर्फ़ की पूरी चादर सी बन चुकी है, बट इस पे चलना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो हमारे जूते हैं वो स्लिप कर रहे हैं, तो बहुत आराम आराम से हम चल रहे हैं इस पे। ये देखिए, और ये देखिए पुक्का भी स्लिप होने से बच गए, तो बर्फ़ में जो है बहुत आराम से और ध्यान से चलना पड़ता है, बट ये देखिए मज़े करते हुए चल रहे हैं ये बर्फ के साथ खेलते हुए। हाय, मुझे छोड़ के भाग गए। और यस, फाइनली हम जो है पहुंच गए अपनी मंजिल में। और अगर आप यहाँ देख सकते हैं पूरी बर्फ़ की
चादर बिछ चुकी है, पूरी सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रही है आपको ज़मीन, तो बहुत अच्छा अमेजिंग व्यू है। और यहाँ पे जो है पैराग्लाइडिंग भी की जाती है, अगर कोई करना चाहता है तो यहाँ से भी कर सकता है। तीन घंटे जाम में फंसने के बाद इतना अमेजिंग व्यू देखने को मिल रहा है, तो या इट्स फील गुड। देखिए पैराग्लाइडिंग, हाय मैं करना चाहती हूँ बट बहुत ठंड है, मेरे हाथ ठंडे हो चुके बिल्कुल। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा है। हस्बैंड जो है वो टायर समथिंग की कुछ बुकिंग करने गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तब तक ब्लॉग शूट कर लूँ। अब हम जा रहे हैं एडवेंचर पे, क्योंकि मैंने कोई एडवेंचर ही नहीं किया क्योंकि मुझे हाइट से डर लगता है, तो अब मैं कुछ अमेजिंग सा करने जा रही हूँ। डरा दिया मुझे यार इस बंदे ने, मेरे सर के ऊपर से आ गया था। चलो फाइनली मैंने भी कुछ एडवेंचर किया यहाँ आकर, छोटा ही सही बट ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा था। इतना अच्छा व्यू हो तो एक वीडियो बनानी तो बनती है, क्या बोलते हो बॉस? अभी हम ट्यूब करके आए दोनों हस्बैंड, अभी हम ट्यूब करके आए हैं मैं और बेबी, वो भी बहुत ऑसम एक्सपीरियंस। और अब मैं आपको एक्सपीरियंस दिखाती हूँ जो अभी मैं देख रही हूँ। ओ चन दी चाननी, तो अब हम वापस जा रहे हैं फाइनली, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, हमें जाते टाइम भी मिला था और आते टाइम भी है। और ये देखिए हिमाचल की वादियों को बाय बाय करते हुए, और ये मेरे को पैसेंजर, कैसे लग रहा है आपको? हमें हमेशा ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत गलत आंसर दिया है आपको। भाई साहब कैसा लगा? ओके जी, बाय बाय मनाली, जल्दी वापस आएंगे और दोबारा एक बार एडवेंचर करेंगे। बाय बाय मनाली, अब हम फिर मिलेंगे, फिर आएंगे और फिर कुछ एक्साइटिंग और एडवेंचरस करेंगे। सो बाय बाय। ओ वाह वाह वाह, अभी हम कुल्लू पहुंच गए हैं और ये देखिए बाहर बहुत तेज़ हवा चली हुई है। और अगर मैं दिखाऊं, लोग जो है मोदी जी की रैली से वापस आ रहे हैं, कुल्लू से लोग गए थे मंडी रैली में, और इसीलिए बहुत लंबी जो है लाइन लगी है जहाँ। अब हम रुके हुए हैं डिनर करने, देखिए पंजाबी वैष्णो ढाबा, पंजाबी ये हैं और वैष्णो के भक्त हम हैं। और यहाँ पे जो है अमन को जो है उसका एक क्लासमेट बोल लीजिए या फिर अब बीटेक फ्रेंड मिल गया है, तो वो भी उससे बातें कर रहा है, तो ये कोइंसिडेंस है, जिसको जहाँ मिलना होता है मिल ही जाते हैं। अमन को यहाँ उसका फ्रेंड मिल गया, इनको मैं मिल गई, मुझे ये मिल गया। हसो, और ये हमारा खाना आ चुका है, यमी यमी खाना, तो अब चलिए अब हम डिनर करते हैं। ये देखिए बुखड़ लोग खाने भी लग गए, ये देखिए मोटे लोग। और अब हम जो है घर आ चुके हैं, रात के 11 बज चुके हैं, 11 बजे हम घर पहुंच गए थे बहुत सारी ट्रैफिक के बाद। और घर आके हमें सरप्राइज़ मिला, पापा भी जो है जलंधर से वापस आ गए हैं। यस, जलंधर से वापस आ गए हैं बहुत मुश्किलों के बाद, ट्रैफिक के बाद। और हम लोग मनाली से वापस आए हैं, और मम्मी जो है आज मोदी जी की रैली में गई थी। तो मम्मा कैसा लगा, कैसी रही आपकी रैली की यात्रा? बहुत अच्छी रही हमारी यात्रा जी। मोदी जी मिले आपसे? हाँ मिले, हमारे को गिफ्ट दिया मोदी जी ने। ट्रैफिक 5 घंटे हमें भी दिया हो तो।
चलिए ठीक है फिर, एक जो है वो सो चुके हैं ये देखिए। तो फिर अब हम इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। गुड नाइट पापा को तो अच्छा लगता है। पापा गुड नाइट। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सिया, जय माता दी।